स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल नील MPPSC में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में परीक्षा धाम बुक का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसके बारे में। हमने इस बुक का रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। अब इसी बुक की एक और बुक आई है ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक है, ये है इसकी ऑब्जेक्टिव बुक। मतलब ये बुक पूरी थ्योरी पर है और इस पर है, तो ये बुक उसकी ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इसको पढ़कर इस बुक को ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपके लिए काफ़ी होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस बुक की अच्छी बातें बताने के पहले, मैं आप सभी से एक बात और बोलना चाहता हूँ। ये मेरा ओपिनियन है, ये बात मेरे लिए लागू होती है। अगर आप इसके बारे में कुछ और सोचते हैं तो आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। हर एक बुक के लिए अलग अलग हो सकता है, कोई भी बुक अच्छी या बुरी नहीं होती है। बस ये है कि हमें किसी बुक को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इस बुक की बात करें हम सबसे पहले, तो इसका फ्रंट पेज ऐसा है, देख लीजिए, ठीक है। इसके बैक पेज की बात करें तो बैक पेज ये वाला है, इसमें आप ये देख सकते हैं। और इसकी प्राइस की बात करें तो 399, तो ये 399 इस पे प्राइस लिख रखी है, लेकिन जरूरी नहीं कि 399 की हो, आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगी शॉप पर, ठीक है दोस्तों। ये तो हम इसको खोल के देखते हैं। इसमें पहला ही पेज दे रखा है जिसमें वस्तुनिष्ठ मध्य प्रदेश परीक्षा धाम, इसमें आपको पूरा इंडेक्स समझा रखा है, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक हमारा दे रखा है मध्य प्रदेश सामान्य परिदृश्य, फिर दूसरा है मध्य प्रदेश भौगोलिक परिदृश्य, भौगोलिक, फिर ऐतिहासिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक, फिर कला एवं सांस्कृतिक एवं विविध, ठीक है दोस्तों। ये वाली बात हो गई। इसमें हम बात करते हैं अब ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें पहले ही क्वेश्चन दे रखा है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, जो हमारे 2020 के पेपर हुआ था उसमें आया था। तो इसमें दे रखा है चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, तो ये इसमें गेहूं दे रखा है। तो अब इसमें देखिए व्याख्या काफी अच्छे से समझा रखी है आपको, व्याख्या देखेंगे तो बता रखा है ऑप्शन गेहूं, फिर इसका आपको नाम बता रखा है, फिर वनस्पति नाम भी बता रखा है, फिर इसकी औसत वर्षा कहाँ होती है कितने में, फिर इसकी किस्में बता रखी है, फिर इसके अग्रणी उत्पादन राज्य भी बता रखे हैं, विशेष सी है। तो अगर MPGK आपने इसमें से पढ़ा है, ठीक है, इसमें से पढ़ा है, अगर आप उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक ये वाली लगाएंगे तो काफी अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। मेरा ये है कि इस बुक का पूरा निचोड़ आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा, इसमें और आपको ज्यादा फैक्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करें, इस बुक को पढ़ने के बाद ये वीडियो हमने आपको डाल रखा है, आपने देखा है, इसके लिए धन्यवाद। उसके बाद ये इस बुक का जो भी है ऑब्जेक्टिव आप इसको लगा के देखिए। और सबसे पहले एग्जाम पास करने का यही है कि आप जितने टॉपिक पढ़ते हैं उसका ऑब्जेक्टिव आप हाथों हाथ क्लियर करते हुए चले हो। टॉपिक तो आपने पढ़ लिया लेकिन ऑब्जेक्टिव आप जितने सोल्व कर सकते हो इतने सोल्व करेंगे तो आपको इतना कन्फ्यूजन दूर होगा। एग्जाम में क्या है, सब पढ़ के चले जाते हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है फिर पता चलता है कि यार इसमें तो कन्फ्यूजन हो रहा है, आयो कहीं थी तो असू हो जाओ फिर माँ के अंडे। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको जितने हो सके इतने MCQ लगाना है। MCQ लगाने से यही बेनिफिट है कि आपको जितना भी कन्फ्यूजन है वो दूर होता जाएगा और उसके नीचे व्याख्या जो मिलती है उससे हमारे और फैक्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं होशनू कि एग्जाम में जाने अपना ने कन्फ्यूजन वेणु अणवाते बिल्कुल भी मत होशो, बस आप लोग काम है कि अपना भंडू है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सभी को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल का जो लाल घंटा है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए।